झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे हफ्ते में हमने देखा फेड मिनट्स का जो दबदबा था वो पूरी ही कमोडिटी मार्केट पे एक प्रभाव लाता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा जिस ढंग से फेड ने हॉकी स्टोन कंटिन्यू रखा और वो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं रिसेशन और इन्फ्लेशन का जब कंसर्न रहता है तो कहीं ना कहीं सेफ करेंसीज के ऊपर लोगों का ध्यान जाता है जिसमें डॉलर इंडेक्स आता है। इनफैक्ट डेली चार्ट पे जैसे हमने पहले भी बताया था एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जिसका मतलब है अगर प्राइजेस 105 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करती है तो हम 109-110 डॉलर का भी लेवल देख पाएंगे। तो इसी के तहत हमने देखा कि फेड मिनट्स के बाद डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तेजी आते हुए दिखाई दी और डॉलर इंडेक्स 107 के पार भी जाता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट अंत के लास्ट के दो सेशन के अंदर एक हायर लेवल से फॉल बैक भी आता हुआ दिखाई दिया, बट कमोडिटी पे उसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां हमने सोने में इंपोर्ट ड्यूटी के चलते ज्यादा इरोशन नहीं देखा, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो 52,000 से प्राइजेस 50,780 पे क्लोज होती हुई दिखाई दी, जो फ्लैटिस रहा है। जबकि इसका सारा असर चांदी पे पड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पे हमने 4.5% की गिरावट चांदी में आते हुए देखी और चांदी ने इससे पहले हमने देखा था कि बार बार में 60,000 का एक सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा था, बट जिस ढंग से अभी मार्केट में गिरावट आई है कि पिछले सारे सपोर्ट को तोड़ते हुए करीबन 57,000 की भी नीचे जाते हुए दिखाई दी, क्लोजिंग 57,130 पे आई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो सोने और चांदी के अंदर मार्केट में एक दबाव इसलिए भी बना है, एक तो डॉलर इंडेक्स में तेजी है, साथ में ये नॉन यील्डिंग असेट है और जिस ढंग से हॉकी स्टोन रखा गया है फेड की ओर द्वारा कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, ये सोने और चांदी पे दबाव रखेंगे। टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड होने के चलते कहीं ना कहीं उम्मीद है कि प्राइजेस में कुछ पुल बैक आए, जिसके तहत हमने सोने और चांदी में पिछले दो सेशन में एक अच्छी खासी पुल बैक आते हुए देखे, जहां चांदी के अंदर 56,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, प्राइजेस को वो सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने 56,000 का लेवल देखा जरूर है, बट वो देखा था हमने 2020 के सितंबर मंथ में जब प्राइजेस हायर लेवल से एक अच्छा खासा फॉल लेते हुए दिखाई दिए। तो इन ऑल जब पिछले 2020 में हमने 78,000 का लेवल देखा था, उसके बाद जब मार्केट रुका था तो 56,000 पे जाके रुका था, वही लेवल अभी भी रुका है। उम्मीद है कि अगली फेड मीट से पहले प्राइजेस थोड़े बहुत सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी, बट जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा तब तक सोने चांदी पे दबाव रह सकता है। तो अगला हफ्ता भी मार्केट थोड़ी बहुत रिकवरी करते हुए दिखाई देगा, बट ध्यान रखिए 51,200 गोल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 50,350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसी रेंज में मार्केट मूव करेगा। चांदी के लिए भी 56,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, जब तक 56,000 नहीं तोड़ता है पॉसिबिलिटी हम एक बाउंस देखें, बट हायर साइड में 58,800 का एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। एनर्जी पैक की बात करें तो इन एनर्जी पैक के अंदर भी हमने कंटिन्यू गिरावट ही आते हुए देखी है, नो डाउट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, जहां पे कच्चे तेल में बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी भी शानदार रही, जिस ढंग से सप्लाई डिस्टरबेंस रशिया से भी अब बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस 8,300 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं नेचुरल गैस के अंदर भारी तेजी मतलब रिकवरी काफी अच्छी आई थी, बट क्लोजिंग 483 पे आधे परसेंट की गिरावट के साथ हुई। फंडामेंटल साइड की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में हमने देखा जिस ढंग से एक तो एनर्जी कंसर्न्स बना हुआ है सप्लाई को लेकर, दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमने देखा कि ओपेक मेंबर्स ने जो प्रोडक्शंस की बात की है वो अभी तक इतने बढ़े नहीं है जिसको प्राइजेस सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने देखा यूएस से रिग काउंट्स की बात करें वहां पे बढ़ोतरी आ रही है, बट माइन्यूट बढ़ोतरी आ रही है। ओवरऑल नेचुरल गैस में भी हमने देखा जो सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ है यूरोप में, जिसके चलते यूरोप में तो तेजी कंटिन्यू बनी हुई है, बट यूएस के अंदर हमने एकाएक जो इन्वेंट्री में चेंजेस आया था जिसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ा बहुत एक जंप जरूर आया था, बट सस्टेनेबल नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट है चाइना, बिकॉज चाइना से हमने देखा कोविड कंसर्न फिर से लौटता हुआ दिखाई दिया, जो एनर्जी की डिमांड पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा।
वहीं साथ में जो सैंक्शंस लगने हैं रशिया पे और प्राइस कैपिंग हुई है, इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उछाल हमने आते हुए दिखा। ये हफ्ते में जो इन्वेंट्री डेटा आया है EIA से, यहाँ पे गैसोलीन की इन्वेंट्री में हमने 2.5 मिलियन बैरल का ड्रॉप आते हुए देखा है, जिसके चलते प्राइसेस को थोड़ा अपलिफ्ट मिला है, जबकि इन्वेंट्री US में 8.2 मिलियन बैरल से बढ़ी है। तो इन ऑल लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम देखें तो कच्चे तेल में दबाव कंटिन्यू बना रहेगा, लेकिन वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। अगले हफ्ते की अगर बात करें तो कच्चे तेल के अंदर 8600 तक के एक पुलबैक मिल सकता है, बट प्राइजेस उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, डाउनसाइड में 7850 का सपोर्ट रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो धीरे धीरे अब प्राइजेस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जब तक प्राइजेस 510 के ऊपर नहीं निकलता पॉसिबिलिटी हम 450 तक का लेवल फिर से देखें, ड्रॉप पे इसे बाइंग करके चलना चाहिए। कमिंग ऑन बेस मेटल, जहाँ पे हमने अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए देखी, कॉपर में 5% की गिरावट, जिंक के अंदर 6.5% की गिरावट, लेड में 1.5% की गिरावट, वहीं एल्यूमिनियम लोअर लेवल से उभरता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से चाइना ने दो दिन पहले एक स्टिमुलस की घोषणा की है, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल को पसंद आता हुआ दिखाई देगा, बट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी PMI एक्टिविटी जो है ये अभी भी कंसर्निंग लेवल्स पे है, जिसकी वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव है। डॉलर इंडेक्स की तेजी भी कहीं ना कहीं बेस मेटल पे दबाव कंटिन्यू रखी, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में जाने की वजह से बेस मेटल में कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एक बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई दी। तो टेम्पररी अगले हफ्ते हम एक बाउंस देख सकते हैं, जहाँ पे कॉपर के अंदर 690 तक का एक पुलबैक देख सकते हैं, जब तक प्राइसेस 640 के ऊपर मेंटेन है 685 से 690 तक का पुलबैक मिलेगा। जिंक के अंदर भी हमने लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आते हुए देखी, 272 का लेवल होल्ड करने पे हमें लगता है कि प्राइसेस 285 तक के भी लेवल दिखा सकता है। वहीं लेड के अंदर हमने काफी बड़ा इरोजन देखा है, 175 का क्रिटिकल रेजिस्टेंट है, अगर ये प्राइस तोड़कर होल्ड करता है तो 178 तक का हम पुलबैक देख पाएंगे। वहीं अंत में अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में अच्छा सपोर्ट देखा जा रहा है 206-207 के करीब, प्राइजेस ने रिकवरी भी अच्छी दी है जो 215-216 तक के लेवल के लिए बाइंग की जा सकती है। तो ओवरऑल बेस मेटल में लोअर लेवल से बाइंग जरूर है, बट ध्यान रखिए जो की इवेंट्स हो रहे हैं, की डेटा आ रहे हैं, इससे मेटल मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल बेस मेटल में रिकवरी है, एनर्जी पैक के अंदर मार्केट वोलेटाइल रहेगा, जबकि सोने चांदी में भी थोड़ी बहुत रिकवरी फेड की अगली मिनट से पहले देखने मिल सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, एग्री वीकली आउटलुक। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।